कृषि क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया जाता है कृषि योद्धा पुरस्कार। भारतीय छात्र संसद के मंच से ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है और इस बार जिस विभूति जिस शख्सियत को ये प्रदान किया जा रहा है जो कि कृषि सुधारक रहे हैं और एक जाने माने गांधीवादी हैं श्री राजगोपाल पीवी जिन्हें ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है। आइए हम सबसे पहले उनके जीवन और कार्यों पर एक नजर डाल लें इस फिल्म के माध्यम से। Shri Rajagopal PV is a well-known renowned Gandhian activist and is the president of the Ekta Parishad and was also the vice chairman of the Gandhi Peace Foundation. He is commonly known as Rajaji amongst his followers and has studied classical Indian dance and music prior to completing his education at Sevagram, Gandhi's ashram in Maharashtra, with a degree in agricultural engineering. In the early 1970s, he worked in the violence-ridden area of Chambal in Madhya Pradesh to help rehabilitate dacoits and former members of armed groups. As a result of his efforts in 1976, more than 500 people gave up arms and moved into settled life. In the 2000s, he began using the Gandhian technique of foot march or pedal yatra to galvanize greater support among the poor. In October 2007, he led a national march named Janadesh from Gwalior to Delhi with 25,000 people that compelled the government to take action in land reforms and forest rights. In 2014, he received the Indira Gandhi Award for National Integration, an award conferred annually by the Indian National Congress Party. He is a Gandhian in true sense and has lived his entire life on ethics, values and morals. We are honored to welcome Shri Rajagopal PV. और एक बार जोरदार तालियों के साथ कृषि योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्री राजगोपाल पीवी। भारत अपनी आंख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा, लोकतंत्र है इसकी गरिमा। यही वो शख्सियतें, यही वो व्यक्तित्व हैं जो हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किए हैं। इनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। श्री राजगोपाल पीवी, एक बार आप सभी खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे हमारे कृषि योद्धा पुरस्कार से सम्मानित श्री राजगोपाल पीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल, और एक कॉमन मैन की ये एक छोटा सा मोमेंटो यहां पर जिसे प्रदान किया गया, कॉमन मैन लेकिन काम बिग मैन के। और अब सादर आमंत्रित करते हैं श्री राजगोपाल पीवी जी को कि वो आए और भारतीय छात्र संसद के मंच से आज के विषय पर अपने विचारों को रखें। माननीय राजगोपाल पीवी जी। तो आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मंच और सामान्य मित्रों, ये जो अवार्ड दिया है छात्र संसद ने, उसको मैं स्वीकार करता हूं, बहुत प्यार से स्वीकार करता हूं। लेकिन इस अवार्ड के पीछे जो संदेश है वो हम सबके लिए है। क्या संदेश है? पढ़ लिखे ऊपर ऊपर जाना ही जरूरी नहीं है, पढ़ लिखे नीचे की ओर भी जा सकते हैं, गांव की ओर भी जा सकते हैं। अब क्या हमारे हमारे सब के नॉलेज, हमारे कैपेसिटी, हमारे ताकत सब ऊपर ऊपर जा रहा है?
पढ़ लिखने के बाद किसी को नहीं लगता कि पीछे जो लोग छूट गए हैं, गरीब लोग, पिछड़े लोग, उनकी ओर जाना चाहिए. सो द मेन मैसेज ऑफ दिस अवार्ड इज दैट प्लीज यूज योर स्किल्स एंड कैपेसिटीज एंड नॉलेज टू लिबरेट मिलियंस ऑफ पीपल हु आर लेफ्ट बिहाइंड. तो इस पर काम करने की जरूरत है. उस दृष्टि से मैं इस अवार्ड को बहुत महत्व देता हूं और आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने गांव के काम को स्वीकार किया और सम्मानित किया. अब हम लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं, दिस इज ए ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, भौगोलीकरण के दुनिया में जी रहे हैं. तो भौगोलीकरण के दुनिया में क्या होता है, जीवन जीने के संसाधनों को लेकर संघर्ष होता है. गरीब आदमी जीता है जल, जंगल, जमीन के आधार पर. आदिवासियों के लिए जंगल है जिसका स्वामी जी ने जिक्र किया, मछुआरों के लिए पानी है, किसान के लिए जमीन है. और ये जो जल, जंगल, जमीन है, उसी को भौगोलीकरण की इस दुनिया में ताकतवर लोगों को भी चाहिए. जिसके पास पैसा है उनको पानी चाहिए, क्योंकि वो बोतल में भर के बेचेंगे तो मुनाफा मिलेगा. जिसके पास पैसा है उसको जमीन चाहिए ताकि स्पेकुलेशन में जमीन को दाम बढ़ा बढ़ा के बेच के पैसा कमा सकता है. तो भौगोलीकरण की इस दुनिया में जीवन जीने के संसाधनों पर गरीब लोग भी अपना कब्जा रखना चाहते हैं, ताकतवर लोग भी अपना कब्जा रखना चाहते हैं. तो नीचे स्तर पर बहुत कॉन्फ्लिक्ट है. इस कॉन्फ्लिक्ट को समझना आपका काम है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग गांव से आए हैं. सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्फ्लिक्ट एट द बॉटम दैट पीपल वॉन्ट टू हैव कंट्रोल ओवर लैंड एंड लाइवलीवुड रिसोर्सेस बट द कंपनीज आर ऑल्सो ट्राइंग टू हैव कंट्रोल ओवर लैंड एंड रिसोर्सेस. इस कॉन्फ्लिक्ट को रिसोल्व करना आपका काम है, पढ़े लिखे लोगों का काम है. नहीं तो क्या होगा, ताकतवर लोग जल, जंगल, जमीन सब छीन लेंगे तो गरीब लोग फिर पलायन करेंगे, झुग्गी झोपड़ी में जाकर जिएंगे, शहरों में जिएंगे. ब्राजील का जो हालत हुआ वो भारत का हो जाएगा. ब्राजील में 80% लोग स्लम्स में और सिटी में पहुंच गए. भारत में अभी भी 65% लोग गांव में हैं. उनको टिके रहने के लिए आपकी मदद चाहिए. तो मैं चार ब्लॉक में अपने काम को देखता हूं, करता हूं. मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि कभी आपको गांव में काम करने की इच्छा हुई तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. पहला ब्लॉक है या पहला पिलर है, जैसे मकान बनाने के लिए चार पिलर चाहिए. पहला पिलर है पावर ऑफ द पुअर. गरीब लोगों के अंदर निहित ताकत को पहचानो. गरीब माने ऐसे निसहाय लोग नहीं है. उनके पास पैसे की कमी जरूर है, लेकिन उनके सामाजिक ताकत जो है, उनकी जो स्पिरिचुअल ताकत है, उनके जो कल्चरल ताकत है. इसलिए कहते हैं कि गरीबों के पास सोशियो कल्चरल स्पिरिचुअल ताकत जो है वो पहचानने की जरूरत है. उसी के आधार पर आप उनको लिबरेट कर सकते हैं. बहुत लोग हैं जिनके पास पैसा है लेकिन उनके पास सोशियो कल्चरल स्पिरिचुअल ताकत नहीं है. तो गरीबी यहां भी है, गरीबी वहां भी है. यहां इकोनॉमिक गरीबी है तो यहां कल्चरल गरीबी है. इसलिए गरीबों के साथ काम करते समय निस्सहाय समझ के उनके पास नहीं जाना है. उनके पास जाना है कि वो सोशियो कल्चरल स्पिरिचुअल ताकत रखने वाले लोग हैं. इसलिए उस पिलर को ताकतवर बना के उनके इकोनॉमिक गरीबी को दूर किया जा सकता है. और दूसरा ताकत हमारे काम का है, उसको हम कहते हैं पावर ऑफ द यंग, नौजवान लोगों की ताकत. नौजवान लोगों की ताकत को अगर सही दिशा दे सके. अभी तो नौजवानों का ताकत तो इस्तेमाल करने वाले लोग उनको हिंसा के लिए इस्तेमाल करते हैं, बस जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तोड़फोड़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल करते हैं. उसके बदले रचनात्मक काम में इस्तेमाल कर सके, आम लोगों को उनके तकलीफ से उनको लिबरेट करने में इस युवा शक्ति का उपयोग कर सके. तो दूसरा पिलर है द पावर ऑफ द यंग. तो हमारे साथ बहुत नौजवान लोग जुड़े हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, इस पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे देश को सुंदर बनाने के लिए. और तीसरा पावर है पावर ऑफ सॉलिडारिटी. हम भले ही गांव में न जा सके, हम नौकरी करें अमेरिका में, नौकरी करें दिल्ली में, लेकिन
जहां जहां संघर्ष है, अहिंसात्मक संघर्ष है अपने जीवन बदलने के लिए, जल जंगल जमीन के लिए, उस संघर्ष के साथ जुड़ जाइए, दिल से जुड़ जाइए, दिमाग से जुड़ जाइए। शरीर से जुड़ना कठिन हो तो भी सोलिडारिटी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पावर ऑफ सोलिडारिटी बहुत महत्वपूर्ण है। आज की दुनिया में गांव गांव में लोग अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप उनके साथ जुड़िए, अपना संवेदना दिखाइए। और आखिरी पिलर है द पावर ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसात्मक तरीके से समाज को बदलना। चूंकि हमें रहना है एक अहिंसात्मक समाज में आगे चल के, इसलिए रास्ता भी अहिंसा का ही होना चाहिए। अब आप देखो हिंसा में कितना ताकत लगाया जा रहा है, हिंसा के लिए रिसर्च चल रहा है, हिंसा में इनोवेशन चल रहा है, नए नए बंदूकों का निर्माण हो रहा है, यहां तक पहुंच गया है कि आप अपने रिस्ट वॉच में और अंगूठी में भी बंदूक लगा सकते हैं, इतने छोटे छोटे। तो इनोवेशन, रिसर्च, इन्वेस्टमेंट हिंसा को बढ़ाने के लिए बहुत हो रहा है दुनिया में, और अहिंसा के क्षेत्र में। और लोग कहते हैं अहिंसा तो कमजोर लोगों का काम है, ये महात्मा गांधी, भगवान बुद्ध सब कर लिया, लेकिन अब हमारे वश की बात नहीं। अब ये समय है ये दिखाना कि जब दुनिया में इतने हिंसा है, दुनिया के सामने क्लाइमेट क्राइसिस है, इस समय ये दिखाने का समय है कि हिंसा से ताकतवर है अहिंसा, और अहिंसात्मक तरीके से जो बदलाव होगा उसी से एक शाश्वत बदलाव संभव होगा। इसलिए ये जो फोर पिलर्स है, द पावर ऑफ द पुअर, पावर ऑफ द यंग पीपल, पावर ऑफ सोलिडारिटी एंड पावर ऑफ नॉन वायलेंस, इन चार पिलर्स में हमने अपने आंदोलन को बिल्ड किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में आप जो युवा लोग हैं आप भी इन आंदोलनों में जुड़ेंगे, और जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे ये मन में रखेंगे कि लाखों करोड़ों लोग पीछे छूट गया है, और इतने सारे लोगों को पीछे छोड़ के हम कैसे कह सकते हैं कि हम अभिमान के साथ कैसे कह सकते हैं कि हम भारत के निवासी हैं। तो असल में अभिमान के साथ खड़े होकर कहना है कि हम भारत से आए हैं, हम भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कहना जरूरी है कि मेरे देश में कोई गरीब नहीं है, शोषण नहीं है, अन्याय नहीं है, करप्शन नहीं है, ऐसे कहने की हिम्मत आने वाले दिनों में हमको आ जाए तो सुंदर भारत होगा, सुंदर गांव होगा तो सुंदर भारत होगा। तो उस दिशा में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और आपने मेरे काम को और गांव के काम को स्वीकारा और सम्मानित किया, उसके लिए आप सबको धन्यवाद देते हुए बात को समाप्त करता हूं। जय जगत। बहुत बहुत धन्यवाद राजगोपाल जी आपके इस वक्तव्य के लिए। और